Hello friends, welcome to online study classes. This is the online classes for SSC banking examination, BPSC, UPSC, NDA, CDS examination and other various competition. आज हम लोग conjunction के बारे में पढ़ेंगे और English grammar में जो question आते हैं उसमें से conjunction से दो तीन question banking के examination में, SSC के examination में कॉमन एरर जो फाइंड करने के लिए आता है उसमें निश्चित रूप से रहता है. इंग्लिश जिस भी कंपटीशन में पूछा जाता है उसमें कंजंक्शन से निश्चित रूप से दो से तीन क्वेश्चन रहते हैं. तो आज हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. पहले काफ़ी सिस्टमेटिक वे में पूरा कंजंक्शन का स्टडी करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ऑनलाइन स्टडी जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. और ये पूरा वीडियो जब हम पूरा कर लेंगे तो इसके एंड में हम लोग होमवर्क भी देंगे आपको और उस क्वेश्चन को आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है आपको. इसलिए काफ़ी ध्यान से इस चैप्टर को आप समझने का कोशिश कीजिएगा. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंजंक्शन किसको कहते हैं. कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन शब्द या शब्द का समूह है, वर्ड या वर्ड का समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ता है. कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन शब्द है या शब्द का समूह है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लाउजेज को, सेंटेंसेस को जोड़ता है. जैसे उदाहरण के लिए ए न्यू कोट एज वेल एज एन ओल्ड कोट, मतलब एक नया कोट और एक पुराना कोट दोनों को जोड़ने के लिए क्या हम लोग यूज किए हैं? एज वेल एज. ये जो एज वेल एज है यही एक कंजंक्शन है. यू सिंग बट सी डांसेस, तो यू सिंग एक वाक्य है, सी डांसेस एक अलग सेंटेंस है. इसको कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है. बट क्या है? कंजंक्शन है. ए गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ए गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ए गुड, गुड और इंटेलिजेंट जो गर्ल्स का विशेषता है इसको कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है. और ये एंड क्या है? एक कंजंक्शन है. तो कंजंक्शन का काम क्या है? ये वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लाउजेज को, सेंटेंसेस को जोड़ता है. दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लाउजेज को, सेंटेंसेस को जोड़ता है जो कि हम ये तीन एग्जाम्पल में देखें. अब ये इनका इम्पॉर्टेंट यूज क्या है? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंट यूज है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी, एसएससी में भी और अदर कंपटीशन में भी बनता है. तो आज हम लोग देखते हैं कि जो पहला रूल है नॉट ओनली के बाद व्हाट आल्सो का प्रयोग होता है. जहां भी आप सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज देखेंगे उसके बाद जो है जो कंजंक्शन यूज होता है नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज होता है. आइदर के बाद, आइदर जो है जहाँ रहेगा वहाँ आइदर के बाद और का प्रयोग होता है. नाइदर के बाद नॉर का प्रयोग होता है. इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का प्रयोग होता है, आइदर के बाद और का, नाइदर के बाद नॉर का प्रयोग. ये दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ब को जोड़ता है. ये जो है नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर जो है ये दो सब्जेक्ट को या दो ऑब्जेक्ट को या दो वर्ब को जोड़ता है. जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन डू इट. नॉट ओनली दीपक, दीपक क्या है? एक सब्जेक्ट है. और ये मोती क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन डू इट. तुम एक दीपक भी सब्जेक्ट है, मोती भी सब्जेक्ट है. ये दोनों सब्जेक्ट को कौन जोड़ रहा है? नॉट ओनली और बट आल्सो जोड़ रहा है. तो ये नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट को जोड़ने का एक उदाहरण है. आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती. यहाँ क्या है? दीपक और मोती यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया है. उसी तरह ही विल नॉट ओनली गो बट आल्सो स्टे देयर. तो गो क्या है? एक वर्ब है. स्टे भी क्या है? वर्ब है. इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? नॉट ओनली बट आल्सो से. तो इससे हम लोग क्या देखें कि नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ब को, दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो वर्ब को जोड़ा जाता है.
although सेकेंड रूल है although या दो का अगर प्रयोग हुआ है उसके बाद जो है एट होता है although या दो के बाद एट का प्रयोग होता है YET. लेकिन जब प्रॉब्लम दिया जाता है आपको तो although या दो के बाद जो है but और else and का प्रयोग करके दिया जाता है. मतलब although या दो के बाद एट ना लिख के बट और एल्स एंड का प्रयोग करके दिया जाता है जो कि गलत हो जाता है. यहाँ पे क्या होगा ऑल्दो या दो के बाद हमेशा येट का प्रयोग होता है वाई ई टी येट का प्रयोग. जैसे एक उदाहरण देते हैं कि ऑल्दो ही इज रिच बट एंड ही इज डिसऑनेस्ट. तो यहाँ क्या है कि ऑल्दो है ऑल्दो के बाद क्या होना चाहिए यहाँ एट का प्रयोग होना चाहिए लेकिन यहाँ बट या एंड लिखा हुआ है तो इसलिए ये बट और एंड गलत है. यहाँ पे क्या होना चाहिए एट होना चाहिए. कभी कभी क्या करते हैं कि एट के जगह केवल कोमा का भी प्रयोग करके वाक्य सही हो जाता है. जैसे अगर कोई लिखता है ऑल द ही इज रिच यहाँ कोमा का यूज करके ही इज डिसऑनेस्ट तो ये भी वाक्य सही हो जाता है. लेकिन अगर बट एंड एंड का प्रयोग यहाँ पे है ये तो पूरी तरह गलत है. बट और एंड का प्रयोग यहाँ पे होगा ही नहीं. यहाँ पे ऑल द के साथ क्या होगा एट का प्रयोग होगा. थर्ड रूल है बोथ के बाद हमेशा एंड होता है. बोथ के बाद अगर जहाँ जोड़ना है तो वहाँ पे एंड का प्रयोग होता है. बोथ के बाद हमेशा एंड होता है. लेकिन जो प्रॉब्लम पूछा जाता है उसमें क्या करते हैं कि बोथ के बाद एज वेल एज और एल्स आदि का प्रयोग कर दिया जाता है. जैसे इस सेंटेंस में देखिए बोथ राम बोथ का प्रयोग है बोथ राम एज वेल एज श्याम मे कम टूडे नो एरर. तो इस तरह का रहेगा आपको इसी तरह का फॉर्मेट में कॉमन एरर जो है बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एसएससी के भी एग्जामिनेशन में एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में भी इसी तरह का फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश सेक्शन से. तो बोथ राम एज वेल एज का प्रयोग यहाँ पे गलत है क्योंकि हम अभी रूल क्या सीखे कि बोथ के बाद हमेशा एंड होता है. तो यहाँ एज वेल एज नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा एंड होगा. तो बोथ राम एंड श्याम मे कम टूडे ये सही सेंटेंस होगा. तो एज वेल एज ना होके यहाँ पे क्या होगा एंड होगा. फोर्थ रूल फोर्थ क्या है कि वेदर के बाद हमेशा और आता है. वेदर के बाद जब भी वेदर का प्रयोग होगा तो वेदर के बाद हमेशा और आता है. इसके प्रयोग के क्रम में वेदर के पहले हमेशा दैट या इफ का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है. इसमें क्या करते हैं कि इस वेदर के जगह पे ये यहाँ तो और लिख देता है लेकिन इस वेदर के जगह पे दैट या इफ का प्रयोग कर देता है जो कि गलत है. अगर यहाँ पे और है तो इसके यहाँ पे क्या होगा दैट यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे और है तो यहाँ पे वेदर होगा दैट या इफ नहीं होगा. जैसे इस प्रॉब्लम को देखें आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट. तो यहाँ पे क्या होगा कि दैट का जो ये प्रयोग हुआ है ये दैट का प्रयोग गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए और है. तो और कब आएगा यहाँ पे इस सेंटेंस में और तब आएगा जब यहाँ पे वेदर होगा. तो ये जो आई नोट दैट वेदर यहाँ होगा वेदर ही विल कम और नॉट. तो यहाँ पे दैट का प्रयोग गलत है. दैट यहाँ इफ भी रहता तो यह गलत हो जाता. अब देखिए फिफ्थ रूल क्या है सो के बाद एज का प्रयोग होता है निगेटिव वाक्य में. अगर वाक्य अगर निगेटिव हो आपका तो सो के साथ एज का प्रयोग होता है. जैसे राम इज नॉट सो गुड एज यू ये क्या है निगेटिव वाक्य नॉट का प्रयोग. देखिए निगेटिव वाक्य है तो निगेटिव वाक्य रहे तो क्या होगा राम इज नॉट सो गुड एज यू. सो के साथ क्या लगा एज का प्रयोग हुआ ये निगेटिव वाक्य में. लेकिन अगर वाक्य पॉजिटिव हो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो दोनों के साथ जो है एज एज का प्रयोग किया जाता है. यहाँ एज एज रहेगा तो पॉजिटिव वाक्य में एज एज का प्रयोग होता है. निगेटिव जहाँ तक वाक्य है वहाँ एज एज या सो एज दोनों का प्रयोग होगा. जैसे यहाँ देखिए उदाहरण है राम इज एज गुड एज यू ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर अगर कोई लिखता राम इज सो गुड एज यू ये वाक्य गलत हो जाता क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सो एज का जो प्रयोग है वो निगेटिव वाक्य में होता है और एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता है. अगला उदाहरण है राम इज नॉट एज गुड एज यू ये निगेटिव वाक्य है. तो यहाँ पे एज एज का प्रयोग निगेटिव में भी होता है और अफर्मेटिव में भी होता है.
हार्डली स्कार्सली के बाद वैन का प्रयोग होता है। हार्डली और स्कार्सली जो है इसके बाद जहाँ भी आपको हार्डली या स्कार्सली मिले उसके बाद वैन का प्रयोग होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम जो दिया जाता है आपको, उसमें क्या करते हैं कि वैन के जगह देन, THN, then, that आदि का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है आपको, तो जो कि ये सब गलत है। इसको हटा के आपको वहाँ पे when का प्रयोग करना है। तो hardly और scarcely के साथ के बाद when का प्रयोग होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है कि hardly had he gone out of the office that the telephone bell rang, no error। तो यहाँ पे देखिए hardly है, हार्डली के बाद हम क्या बताएं कि वैन का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्या दिया है, दैट दिया है, तो इस दैट को हटा के वैन का प्रयोग। लेकिन कहीं कहीं पर जो है वैन और बिफोर दोनों रहता है, बिफोर भी यहाँ पर अगर लिखते हैं तो वो भी सही होगा, वैन या बिफोर भी यूज कर सकते हैं, वैन या बिफोर दोनों सही होता है। लेकिन ये दैट किसी भी हालत में ये सही नहीं है, तो सी जो पार्ट है इसमें एरर है, यहाँ दैट के जगह वैन का प्रयोग होगा। तो हार्डली स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल है कि सेल्डम इफ इवर, सेल्डम जहाँ भी सेल्डम सेल्डम है, अगर यहाँ इवर है तो सेल्डम इफ इवर होता है, और नेवर के साथ होता है सेल्डम और नेवर, नेवर अगर रहेगा तो सेल्डम और नेवर होगा, सेल्डम इफ इवर होगा। तो इसमें वाक्य में क्या करता है कि सेल्डम और इवर लिख देता है, जो कि गलत है। क्या होगा, सेल्डम के साथ इफ इवर होगा और नहीं होगा, इसमें उल्टा कर देता है। यहाँ पे क्या कर देगा, सेल्डम इफ नेवर, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेल्डम और नेवर होगा। तो सेल्डम इफ इवर होगा, सेल्डम और नेवर का प्रयोग होगा। जैसे इस वाक्य में देखिए कि सेल्डम इफ नेवर हैव आई हर्ट यू, यहाँ क्या है, सेल्डम इफ नेवर है, जो कि गलत है। हम लोग क्या जानते हैं कि सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ के साथ एवर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ को हटा के सेल्डम और नेवर होगा, आई हर्ट यू। एट्थ रूल क्या है कि रादर तथा अदर के बाद, रादर तथा अदर के बाद, ये जो रादर और अदर है इसके बाद देन का प्रयोग होता है, टी एच ए एन वाला देन का प्रयोग होता है। लेकिन इनके बाद बट या किसी अन्य कंजक्शन का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है। रादर और अदर रहेगा इधर, लेकिन इधर जो है देन ना दे के बट दे देता है, या कोई और कंजक्शन दे के प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है, जो कि गलत है। तो रादर था अदर के बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इस वाक्य में, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट ए जॉब, नो एरर। तो यहाँ क्या होगा कि बट जो है यहाँ क्या है, अदर है, अदर के साथ क्या बताए, रादर या अदर के साथ देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ अदर है, अदर के साथ देन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, बट का प्रयोग किया, जो कि गलत है। हम पहले भी बताया कि बट को दे के आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो यहाँ बट जो है ये पूरी तरह से गलत है, यहाँ पे क्या होगा, देन का प्रयोग होगा। एट का बी में है कि नोट नेवर के बाद और का प्रयोग होता है, अगर नोट या नेवर है तो वहाँ पे और का प्रयोग होता है। यहाँ क्या करते हैं कि नोट दे के सवाल पूछ लिया जाता है, नोट नेवर का प्रयोग रहेगा, उसके बाद नोर का प्रयोग करके एक सवाल पूछ लिया जाए, जो कि गलत होगा। नोर यहाँ नहीं होता है, नोट नेवर के बाद और का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, आई हैव नोट मीट हिम और इन्वाइटेड हिम, ये वाक्य है पूरी तरह सही है, क्योंकि नोट नेवर के साथ और का प्रयोग होता है और यहाँ और का प्रयोग है। इस वाक्य में देखते हैं, आई हैव नेवर सीन हिम नोर हर्ड अबाउट हिम, यहाँ क्या है, नेवर है, नेवर के साथ क्या होता है, और का प्रयोग होता है। नॉट नेवर के साथ क्या होता है, और का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, नॉट दिया है, जो कि पूरी तरह गलत है। यहाँ पे नॉर के जगह क्या होगा, और का प्रयोग होगा। कंजंक्शन जो है लेस्ट, लेस्ट जो है कंजंक्शन है, इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है वो सूड आता है। जहाँ भी आप लेस्ट का प्रयोग देखें तो लेस्ट के बाद जो वर्ब आता है वो सूड आता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि लेस्ट के बाद मे या विल लिख के आपसे प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है। मे या विल रहेगा तो इसको आपको हटा देना है और इसके जगह आपको सूड का प्रयोग करना है। तो लेस्ट के साथ
हमेशा should का प्रयोग होता है, may या will का प्रयोग नहीं होता है। अगर may या will का प्रयोग है तो यह पूरी तरह से गलत है। जैसे work hard lest you may fail, no error, ये sentence है। इसमें क्या है कि lest का प्रयोग हुआ है, तो लेस्ट के प्रयोग के साथ क्या होना चाहिए, मे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मे या विल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुड का प्रयोग होना चाहिए। तो ये क्या है, सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे लेस्ट के साथ सुड का प्रयोग होना चाहिए। द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट या एज का प्रयोग होता है। जहाँ भी द सेम का प्रयोग होगा, द सेम के बाद जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो दैट या एज का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, सही सेंटेंस है। द सेम के साथ क्या है, दैट का प्रयोग है। दिस इज द सेम डॉग एज माइन, क्या है, द सेम के साथ क्या है, एज का प्रयोग हुआ है, तो ये भी वाक्य सही है। द सेम के साथ क्या होता है, दैट या एज का प्रयोग होता है। तो ये टोटल 10 रूल्स है, ये पार्ट 1 है कंजंक्शन का, और हम इस पे पार्ट 2 भी बनाएंगे कंजंक्शन का, पार्ट 2 कंजंक्शन का बनाएंगे, और जो भी बाकी रूल्स है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको ये होमवर्क दे रहे हैं कि फाइंड एरर इन द गिवन सेंटेंस। ये सारा सेंटेंस दिया हुआ है, 6 सेंटेंस, ये 6 सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। हम जो अभी पढ़ाए उसी में से उसी रूल पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और आपको जो है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर मुझे बताना है, तब हम समझेंगे कि आपने इस रूल को अच्छे से ग्रास्प किया, अच्छे से लर्न किया, अच्छे से सीखा, आप समझ रहे हैं उस रूल को। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे और उसमें भी आपसे हम आपको होमवर्क देंगे, और आपको ये होमवर्क जो है पूरा करके हमको इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इस सवाल का क्या क्या आंसर हुआ। तो हम भी एक बार बोल देते हैं सारा सवाल, आप उसको लिख लीजिए या फिर ऑरली भी आप इसको कर सकते हैं। जो अभी रूल बताएं, अगर आपको अच्छे से रूल वो आ रहा है तो आप इसको ऑरली भी सवाल को कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर आप हमको लिख कर या इसको करेक्ट करके भी सेंटेंस आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे ही इज द सेम मैन हु हेल्प मी, नो एरर। आई वुड रादर हैव द बैट नॉट द बॉल, नो एरर। ही विल आइदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी। Not only he goes to my house but also stays there. He is going not only to open a hospital but also an inn, no error. Seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent, no error. तो ये 6 क्वेश्चन है, आप इसको बना के निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल जो ऑनलाइन स्टडी है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।